नमस्कार साथियों, साथियों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 को लेकर कुछ और बातें मैं आज करने वाला हूं और साथ ही मैं आप लोगों से भी कुछ गुजारिश करने वाला हूं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका नुकसान ये है इस बात का। आप पहले पूरी बात को सुने, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब के पीछे क्यों इतना भाग रहा हूँ, इस बात को आप सुने। तो आप लोग वीडियो देखते हैं, ट्विटर जब 5 अप्रैल को मैंने ट्विटर बयान किया था तो उसमें कुछ अलग लोग आए थे, 10 अप्रैल को ट्विटर बयान हुआ उसमें कुछ अलग लोग आए हैं, हर वीडियो पे कुछ अलग लोग आते हैं और उनके अलग अलग तरीके कमेंट होते हैं, वो साथ देने की बात तो करते हैं लेकिन क्योंकि होता ऐसा है, दरअसल वीडियो देखने वालों में लगभग 80 से 85 या 90% तक लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने जानकारी वीडियो को देखा और कमेंट किया कि हम आपके साथ हैं और वो वहाँ से निकल गए। अगला वीडियो जब आया, अगली रणनीति का जो वीडियो आया वो उन तक नहीं पहुँचा, उन्होंने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, ना ही उन्हें उसके बारे में जानकारी हो पाई। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और मैं ये नहीं कह रहा आप लगातार सब्सक्राइब करते ही रहना, जैसे ही परीक्षा की एग्जाम डेट घोषित हो जाए सबसे पहला काम आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो हमारा मेन उद्देश्य है डेली वीडियो बनाने का या आने का, वो सिर्फ ये है कि हमारा रेडियो ऑपरेटर जो एग्ज़ाम है उसकी डेट घोषित होनी चाहिए, ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए और जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदार लोग भर्ती में पहुंचने चाहिए, मेहनती लोग। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं और जो लोगों को ये लग रहा है कि टाइम पास है या वो डिमोटिवेट करने आ जाते हैं कि फलाने पुर वाले सर हमारा साथ देने वाले हैं या फलाने सर हमारे साथ देने वाले हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं हूँ, सीधा स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, मैं भी आपका साथ नहीं देता यदि मेरा खुद का एग्ज़ाम ना होता। बात समझ में आ रही है, इससे ज़्यादा तल्ख शब्दों में आपको मैं समझा नहीं सकता हूँ। मैं भी साथ इसलिए हूँ कि मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है इसमें, इसलिए मैं आपके साथ हूँ, डेली मैं वीडियो बनाता हूँ या मैं इसको लेकर इतना एक्टिव हूँ, कई सारे बच्चों के पास मैंने कॉल की, मैसेज किए, किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है कोई भी। मैंने बोला था लखनऊ चल के बात करी जाएगी, एवन मैंने ग्रुप भी बना दिया, केवल 5 बच्चे उसमें ग्रुप में हैं, इस नंबर पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, केवल 5 बच्चे शामिल हुए हैं, 1 बच्चा कानपुर का है, 2 बच्चे कन्नौज के हैं, 2 बच्चे गोरखपुर के हैं और 10-15 बच्चे जो मेरे जानने वाले हैं मैं उनको भी जोड़ दूंगा, बाकी कोई भी बच्चा, कहते सब हैं मैं आपके साथ हूँ लेकिन जब लखनऊ चलने की बात आती है एक सिंगल बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया, ना लड़कों ने ना लड़कियों ने। कमेंट आते हैं सबके लेकिन सिर्फ कमेंट करने देने से बात नहीं बनने वाली, सीधी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ लखनऊ चलने के लिए कम से कम 100 लोग एकत्रित होने चाहिए, इससे कम पे बात नहीं बनने वाली है। मैं एक बार भर्ती बोर्ड जा चुका हूँ 3 लोगों के साथ, कोई उन्होंने ठीक से बात तक नहीं करी थी, हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोला था जब एग्ज़ाम होना होगा हो जाएगा, आप जो सूचना आपको है वो जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दे दी जाएगी, आप उससे विजिट करते रहिए। कब तक उसको विजिट करते रहेंगे हम लोग, तो इसलिए कम से कम 100 लोग चलें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1000-2000, अरे भाई 5 लाख लोगों में 100 लोग तो एक्टिव हो ही सकते हैं, जो आसपास के जनपद के हैं वो 100 लोग तो, और 100 लोग भी नहीं, आप 80 लोग आप कर लीजिए, 20 से 25 लोग लेके मैं आ जाऊंगा अपने साथ में। आप सब लोग जो भी इच्छुक हैं या चल सकते हैं वो इस नंबर पे मैसेज करें, इवन अगर वो रेडियो ऑपरेटर के नहीं भी हैं, आपके दोस्त हैं चल सकते हैं तो आप उन्हें शामिल कर लीजिए और आप अपना नाम और जिला का नाम आप इस पे लिख के मैसेज कर सकते हैं, आपके जनपद का क्या नाम है आप लिख के मेरे पास मैसेज कर दें, ताकि अपने जो लखनऊ चलने की रणनीति है भर्ती बोर्ड ऑफिस, वो 25 से 28 के बीच, मैं भी तारीख डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जब आप सब लोग साथ होंगे 100 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, लगेगा कि नहीं आप लोग चलने के लिए तैयार, तो आप लोगों की सहमति से ही एक डेट डिसाइड की जाएगी और तब भर्ती बोर्ड चल के बात की जाएगी। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो 17 अप्रैल को ट्विटर अभियान जो हमारा रहा है उसको लेकर के, सुबह 10 बजे से आप लोगों को एकत्रित हो जाना है और हैशटैग जो है वो है
यू बड़ा बना हुआ है, पी पी छोटा है, उसके बाद में आपका रेडियो में आर बड़ा है, बाकी सारे अक्षर छोटे हैं और कोई स्पेस नहीं दिया इस बार मैंने। पिछली बार क्या हुआ था कि हैशटैग सही से लोग टाइप कर रहे थे, टाइप नहीं कर पा रहे थे, इस बार मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम डेट, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम डेट 2, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम डेट 2, इसको आप लोगों को ट्वीट कर देना है, इसी पे लगातार 15-20 ट्वीट करने हैं। पिछली बार 10 अप्रैल को 5 अप्रैल से लगभग 3 गुना ज़्यादा ट्वीट हुए थे, तो इस बार आप लोग जुड़ रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं, तो इस बार और भी अच्छे ट्वीट होंगे। और ये एकदम गफलत दिमाग से निकाल दो कि कोई आपका साथ देने वाला है, कोई भी बड़ा यूट्यूबर, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारे बच्चे नहीं हो, सिर्फ आप 5 लाख बच्चे हो, 5 लाख में भी 1-2 लाख एक्टिव हो, उसमें से भी यूट्यूब पे 10-50 हज़ार होंगे, तो उनको ये बहुत बड़ा मार्केट है, करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, आपकी कोई बात नहीं उठाने वाला। अगर हाँ ये SSC का मुद्दा होता तो आ जाते, यूपी पुलिस का आने दो, अभी आ जाएंगे 500 नोटिफिकेशन बनाने वाले, डेली आपको आने लगे, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, हर बड़ा यूट्यूबर उसको लेके आधा घंटा समय निकाल के आपको बताएगा ये फलानी वैकेंसी आ रही है, ये फलानी वैकेंसी आ रही है, उसको बात करेंगे, इसकी बात कोई नहीं करने वाला हूँ।